₹400 किलो वाला भी बेचते हैं, वो एकदम लो क्वालिटी का काजू बोलते हैं। वो तो सिर्फ क्या है, यहाँ से ले जाना ही ले जाना है, वजन लाद के ले जाना होता है। एकदम नेचुरल, मतलब विदाउट पॉलिश काजू बिकता है, पॉलिश काजू नहीं बिकता है यहाँ पे। बस यही यहाँ पे एक खासियत है गोवा की। अच्छा अच्छा। हम कस्टमर को कभी क्या है ना, घुमाने का काम नहीं करते हैं, खुल के बताते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ खुल के, ये साइड साइड में होता है, बीच में शायद एक आध पीस निकला तो निकला, नहीं तो बीच में खाली निकला। अच्छा अच्छा। तो गाइस, गोवा में हर जगह काजू ढूंढते ढूंढते मैं आ गया हूँ बागा बीच के पास एक शॉप पे, अजीत काजू पर। यहाँ पर भैया इतने ज़्यादा बिजी हैं कि इनसे बात करने का टाइम ही नहीं हो पा रहा। मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं आपका वीडियो बनाना चाहता हूँ भैया, लेकिन मुझे थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, हर जगह काजू दिखता है, क्या डाल रहे हैं, कैसा होगा। तो फाइनली ये थोड़ी देर बाद मान गए, लेकिन हमें थोड़ा वेट करना पड़ा कस्टमर्स के जाने का, एंड बीच में भी बहुत कस्टमर्स आ रहे थे। आप देख सकते हैं ये दुकान बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपने एरिया में और जेन्युइन सामान सप्लाई करते हैं लोगों को। तो चलिए आज इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि हम लोग काजू देने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखें, ताकि हम बढ़िया चीज़ गोवा से अपने घर लेके आ पाएं। भैया कैसे हैं? बढ़िया हैं भैया, आप कैसे हो? बस भैया। और कैसा लगा आपको गोवा? गोवा तो भैया बहुत अच्छा है, बस हम लोग सब जगह काजू और बादाम देख देख के थक गए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ से लें, क्या लें, बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। काजू आप गोवा में कहीं से भी खरीद सकते हो, ये नहीं है कि गोवा में एक क्या होता है, काजू का एक क्वालिटी होता है जो कि यहाँ पे अनपॉलिश काजू मिलता है और बढ़िया क्वालिटी का काजू मिलता है। पर ये क्या है, इसमें अक्सर ज़्यादातर है ना गोवा का काजू बहुत कम लोग देखते हैं। एक्सपोर्ट का क्वालिटी होता है, बट क्वालिटी अच्छा होता है, यहाँ पे अनपॉलिश काजू होता है। अच्छा, इसलिए हम इतना देखते हैं, मतलब गोवा में काजू काजू इतना काजू बिकता है। तो आप दिखा सकते हो, पूरा काजू ही लगा हुआ मिलेगा तुमको, बाकी का चॉकलेट है जो कुछ ऐसा चॉकलेट है जो गोवा का स्पेशल चॉकलेट रहेगा। तो भैया दिखा सकते हैं आप काजू, आपके पास कितने वैरायटी हैं, क्या हैं, स्टार्टिंग कितने से होती है यहाँ पे? काजू हमारे पास जो अगर बढ़िया क्वालिटी का, जो अगर बेस्ट क्वालिटी में लोगे तो मिनिमम ₹500 किलो से स्टार्टिंग होती है। कौन सा है ये 500 किलो वाला? 500 किलो वाला देखो सर, आपको पैकेट में दिखा दूँ या फिर इसमें दिखा दूँ? किसी में भी दिखा दो आप। ₹500 किलो में ये आता है जो छिलके वाला होता है, सबसे टॉप क्वालिटी होता है। अच्छा, ये छिलका होता है, ठीक है, इसको छील के खाना है ना? ये छील के खाना होता है, ये गोवा का स्पेशल होता है और ये लॉन्ग टाइम चलता है। अपना खाने में लगता है कि हाँ हमने काजू लिया है गोवा का, जो कि स्पेशल हो जाता है। ₹500 किलो है? ₹500 किलो है, इसमें ₹600 किलो भी आता है। अच्छा। इसमें बहुत सारे लोग हैं ₹400 किलो वाला भी बेचते हैं, वो एकदम लो क्वालिटी का काजू बोलते हैं। वो तो सिर्फ क्या है, यहाँ से ले जाना ही ले जाना है, वजन लाद के ले जाना होता है, बाकी का और कुछ भी नहीं। जो टॉप में टॉप क्वालिटी लेना है तो ₹500 किलो से बढ़िया क्वालिटी आपको स्टार्ट हो जाती है छिलके वाले। अच्छा, और क्या है आपका छिलके वाले में? फिर प्लेन वाले में आता है, दिखाइए। प्लेन वाले में क्या होता है, सिर्फ साइज का फर्क होता है। इसमें खाली अपना ये थोड़ा सा साइज का फर्क आता है, क्वालिटी एक ही होती है। जैसे ये छोटा साइज हो गया, बड़ा साइज हो गया, उससे बड़ा साइज हो गया, ये ग्रेडिंग के हिसाब से आता है। जैसे 320 है, 240 है, 210 है, ये मतलब ये ग्रेड होता है W करके। ये ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? यहाँ पे गोवा से सस्ता तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अच्छा। और प्लस यहाँ पे एक चीज है ना, यहाँ पे एकदम नेचुरल, मतलब विदाउट पॉलिश काजू बिकता है, पॉलिश काजू नहीं बिकता है यहाँ पे। बस यही यहाँ पे एक खासियत है गोवा की। अच्छा, काजू की और कोई खासियत नहीं। बाकी का देखो गोवा का स्पेशल, मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। जैसे ये जैम हो गया, ये गोवा का स्पेशल जैम होता है, जो कि इसमें अंदर आपका काजू पड़ा हुआ रहेगा आपका। ओके। ये पूरा मैंगो जैम है, वैसे आपका किसान का भी जैम आता है, बढ़िया जैम होता है, उसी के कैटेगरी पे ये जैम बनाया हुआ है, अपना गोवा प्रोडक्ट। पर इसमें अंदर पूरा काजू मिलेगा। ठीक है। इसमें अपने 4-5 फ्लेवर आते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, मैंगो हो गया, मिक्स फ्रूट हो गया अपना, और एक ये आता है जो अलग से एक चीज़ बनाते हैं हम लोग, जो हनी में ड्राई फ्रूट डाला हुआ रहता है। अच्छा। जो शहद में ड्राई फ्रूट डाला हुआ रहता है। ओहो हो, इनका क्या प्राइस रहता है? ये अपने वो 250 का 500 ग्राम का पैकेट आता है। अच्छा अच्छा। बेदानी है, ठीक है। बाकी का देखो, एक गोवा का स्पेशल जो है, बाकी का चॉकलेट वगैरह लगा हुआ है। ये चॉकलेट सब गोवा में बनती है? हाँ, ये सिर्फ ये जब उसमें कुछ एक्सपोर्ट बाहर वाली भी है, कुछ गोवा वाली भी है। अच्छा। पर ज़्यादातर हमारे पास है ना 75% अपने को टोटल गोवा वाली मिलेगी। जैसे कि ये गोवा स्पेशल, अंदर इसमें जैसे पिस्ता निकलता है, इसमें अंदर हेजलनट निकलता है। अच्छा। इसमें अंदर काजू निकलेगा आपको। हाँ हाँ, ठीक है। और इसमें देखो आपको बादाम वाला मिलेगा, बादाम, मक्का बादाम निकलेगा। हाँ हाँ। ये क्या है, विद नट है। ओके। बाकी का ये बाकी फ्लेवर वगैरह में भी बहुत सारी आती है, जो कि ये प्लेन पैकेट में भी रखी हुई है, आम पापड़ वगैरह बहुत सारा, मतलब। और देखो एक गोवा का स्पेशल, अभी गर्मी चालू हो रही है,
तो आपको एक ये मिलेगा। ये क्या है? ये शरबत होता है गोवा का स्पेशल, कोकम बोला जाता है। ठीक है, ये पानी में सोडा में मिला के दोनों में आप अपना यूज कर सकते हैं रुआबजा टाइप के लिए। बट ये गोवा का स्पेशल। यस सर। हाँ सर जी सर। तो भैया आप एक बार टेस्ट कराइए जरा काजू क्या है। देखो सर, मैं आपको स्टार्टिंग करता हूँ, जो मेरा 500 रुपए किलो वाला है ना, उससे मैं आपको खिलाने में टेस्ट करता हूँ। ठीक है। ये क्या है, थोड़ा सा छोटा साइज आता है। ओके। थोड़ा 19-20 का फर्क रहेगा या 18-20 का फर्क रहेगा। सिर्फ आपको जो पैसा जो अगर कस्टमर देता है ना अपने को, तो वो सिर्फ साइज के लिए देता है। और बड़ा साइज जो होता है ना, थोड़ा सा मीठा ज्यादा होता है। तो मैं आपको ये वाला, देखो सबसे पहले 500 वाला टेस्ट कराता हूँ। ये देखो, ये वाला मैं आपको टेस्ट करा रहा हूँ। ऐसे ही इसका छिलका निकलता है, एकदम इजी छिलका निकल जाता है इसका, कोई टाइम नहीं लगता है। काजू एकदम प्योर वाइट निकलेगा अंदर से इसको, ये नेचुरली काजू बोला जाएगा ये। ठीक है। ठीक है ये सर, एक और खा के देखो, एक से समझ में नहीं आएगा, बट एक ये और लुक लेके देखो तब समझ में आएगा कि हाँ क्या टेस्ट है। ये थोड़ा बड़ा है ना? ये छोटा साइज मैंने आपको टेस्ट कराया। इससे बड़ा भी है अभी? हाँ, इससे भी बड़ा। मैं आपको निकाल के देखो ये वाला खोल के टेस्ट करा रहा हूँ। जबकि ये देखो एकदम बड़ा दाना आएगा और इसका छिलका भी एकदम इजी निकलेगा, ऐसे जैसे अपना मूंगफली का निकल जा रहा है छिलका, तो ये एकदम जैसे मूंगफली का निकलता है ना वैसे। और ये खा के देखो, ये थोड़ा बड़ा है आप कह रहे हैं? हाँ, ये साइज मतलब उससे बड़ा आएगा, थोड़ा लंबा लग रहा है, उससे साइज ये बड़ा आएगा। ये थोड़ा सा मीठापन ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा सा जूसी है ये। जूसी मतलब इसमें क्या है, इसका मतलब क्वांटिटी थोड़ा अच्छा रहेगा। और ये देखो इसका उससे भी वाइटनेस ज़्यादा रहेगा। हाँ, ये बहुत साफ है, पूरा वाइट है ना। हाँ। ये सर, ये टेस्ट भी बहुत अच्छा है, ये टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका, ये क्वालिटी रहता है छिलके वाले। हाँ हाँ। क्या है, देखो प्लेन तो आपके यहाँ पे भी मिल जाना है, मसाला सॉल्टेड आपके यहाँ पे भी मिल जाना है। एक छिलके वाला क्या होता है, एक नेचुरल हो जाता है कि हाँ हमने गोवा से खरीदा है। ठीक है, बस इतना फर्क हो जाता है, बस यही चीज़ होती है। गोवा का स्पेशल हमने काजू लिया। अभी आप यहाँ से लेके भी जाओगे तो क्या लेके जाओगे, कपड़े लेके जाओगे, कुछ हैंडीक्राफ्ट का सामान आते हैं, कुछ अलग अलग सामान आते हैं वो लेके जाओगे, बट गोवा का एक स्पेशल काजू जो हो जाता है ना, वो एक अलग ही, किसी को जैसे गिफ्ट दोगे ना तो ड्राई फ्रूट भी हो जाता है और अपना अच्छा भी लगता है कि मतलब एक गोवा से ले जाके अपने घर में फैमिली में किसी को भी दिया तो गोवा का एक स्पेशल काजू दिया आप। हेल्दी चीज़ है, मतलब शरीर के लिए अच्छा है आपके। अच्छी चीज़ है। सही है भैया। भैया मेरे को तो 3 पैकेट दे दीजिए आप अलग अलग। कौन से काजू के छिलके वाले, जो आपने मुझे बड़े वाले जो खिलाए थे, ठीक है उनके 3 पैकेट मुझे कर दीजिए। और एक चीज मुझे और पूछनी थी, ये बाहर आपकी शॉप पे ना ये लिखा हुआ है, ये जी सर गोवन स्पेशल स्वीट्स करके, 200 रुपए। क्या है ये? देखो ये दिखाता हूँ, ये क्या होता है, ये हमारा नारियल का बनाया हुआ एक स्वीट रहता है, ये जैसे ये कॉम्बो सेट आता है। ये 5 बॉक्स मिलेंगे 200 रुपए में? 200 रुपए में। अच्छा। हाँ ये देखो मैं ये दिखाता हूँ, ये हम डेली का कम से कम है ना 20-25 सेट बेचते हैं। बट इसका मैं एक खासियत बताएगा, इसमें कोई खोआ नहीं होता है। इसमें कोई वैसा चीज नहीं होती है, इसमें मेन क्या होता है, मेन खोबरा होता है, जो कोकोनट होता है, जो सूखा हुआ कोकोनट होता है ना, जो बुरादा होता है वो होता है, और गुड़ होता है। अच्छा। और नाम के लिए इसमें ड्राई फ्रूट लगाया हुआ रहता है, जो जैसे ये थोड़ा बहुत काजू लगा दिया तो हमने काजू वाड़ी नाम रख दिया इसका। अच्छा अच्छा। जैसे ये कराची हलवा होता है उस टाइप का गोवा का स्पेशल हलवा है। हाँ हाँ। ठीक है, पर ये एक बॉक्स में 200 ग्राम आता है। ठीक है। ये साइड साइड से ही ज्यादातर होता है। अच्छा अच्छा। हम कस्टमर को कभी क्या है ना, घुमाने का काम नहीं करते हैं, खुल के बताते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ खुल के। ये साइड साइड में होता है, बीच में शायद एक आध पीस निकला तो निकला, नहीं तो बीच में खाली निकल। अच्छा अच्छा। ये 200 ग्राम का एक बॉक्स आता है। ठीक है। हम लोग ग्राम के हिसाब से बेचते हैं। ठीक है। और जैसे हम ये सिंगल कोई लेता है तो 50 रुपए का देते हैं। ठीक है। जैसे सेट ले लिया तो 200 रुपए में 5 बॉक्स लेते हैं। तो मतलब 1 किलो मिठाई हमें मिल रही है 200 रुपए में, देखा जाए तो। देखा। तो बट ये कोकोनट की है, ये कोई खोआ की नहीं है, कोई जैसे अपनी बर्फी वगैरह मिलती है वैसी नहीं। अच्छा। थोड़ा एक डिफरेंट कोकोनट की बनाई हुई मिठाई है। सही है भैया, ये भी अच्छी है घर लेके जाने के लिए, ले जाने के लिए अच्छी, मतलब गिफ्ट वगैरह देने के लिए फैमिली में। क्या क्या है ये? पिस्ता है, तिल है, और ये हमारा काजू का है, ये काजू है, कोकोनट का है, ये नाम के लिए ड्राई फ्रूट डालते हैं, ड्राई फ्रूट। अच्छा, ड्राई फ्रूट कोकोनट रहता है, और एक ये अपना हलवा रहता है।
ये खराब नहीं होता, इसको फ्रिज में नहीं रखना? ये फ्रिज में नहीं रखना है, बेस्ट वो 60 डेज चलता है। अच्छा, बाहर रख सकते हैं इसे? 60 डेज तक रख सकते हो, पर घर पे जाने के बाद 60 डेज क्या 6 डेज भी नहीं चलता है। हाँ, 60 डेज रखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब खा लें इसे खोल के, बट फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं। और देखो, एक ही आता है जो ट्रेडिशनल स्वीट होता है गोवा का स्पेशल, जो बिबिन का होता है। ये क्या है? ये ट्रेडिशनल स्वीट होता है गोवा का। ओके, ठीक है, बिबिन का। ये बिबिन का बोला जाता है, गोवा में सिर्फ बिबिन का नाम से ही बिकता है। बिबिन का आप किसी से भी पूछोगे ना, तो ये नाम से ही ट्रेडिशनल स्वीट है, सबसे बेस्ट और सबसे टॉप है। चॉकलेट टाइप है ये कुछ? ये चॉकलेट केक टाइप का होता है सर। अच्छा, केक है ये? यस। अच्छा, 500 ग्राम है, आधा किलो है, आधा किलो का बेबिन का करके। ये 260 का आता है आधा किलो। ओके, ठीक है सर। और आपको अभी कौन सा वाला काजू देना है? छिलके वाले में? छिलके वाला दे दो भैया मेरे को। तो मैं आपको जो बड़ा वाला सबसे जो टेस्टी खिलाया था। हाँ, सबसे टेस्टी वाला दो भैया, बड़ा जूसी था, मजा आ गया था खाके। वो तो उसके तीन पैकेट अलग अलग दे दो। तीन पैकेट लेना ना? हाँ, तीन पैकेट अलग अलग। देखो, हमारा खुद का ब्रांड ये है अजीत काजू गोवा। ओके, और ये बागा में टीटोस लाइन से थोड़ा सा आगे बढ़ती है। ठीक है, जो गोवा बागा में सबसे फेमस लाइन है टीटोस लाइन, टीटोस लाइन उससे थोड़ा सा आगे बढ़ती है बागा की तरफ जाने के लिए। ठीक है सर, ये आपके मैंने तीन पैकेट निकाल दिए। सही है, ठीक है। ये क्या प्राइस है भैया तीनों? ये आपको 200 ग्राम का पैकेट है। वैसे हम लोग अदर लोगों के लिए बेचते हैं, जो भी है खुल के बताते हैं, 130 रुपए का बेचते हैं। हाँ, बट आपके लिए स्पेशल 120 रुपए पड़ेगा, मतलब 10 रुपए आपके लिए डिस्काउंट। थैंक यू भैया। किलो पे 50 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा। हमें किलो का रेट निकालना होता है, पैकेट से मतलब नहीं। पैकेट पे 10 रुपए मत जाना, पर किलो पे मैंने 50 कम कर दिया। ठीक है सर। और भैया ये मिठाई भी दीजिएगा गोवा वाली, जो ये कोकोनट की बनाई हुई है, कोकोनट वाले। हाँ जरूर सर। और क्या देना है? बस यही दोनों दे दो भैया आप। तो ये बागा लेन में आपका है? हाँ, बागा बीच पास में है यहाँ से। हाँ, यहाँ से एक 200 मीटर आगे बागा बीच है। ओके, ये अपना रिव्यू आता है पूरा। भैया टाइमिंग बता दीजिए शॉप के, कब आना है आपसे मिलने? सुबह 9 o'clock से लेके रात को 12 o'clock तक। डेली या कोई छुट्टी है? एवरीडे। एवरीडे 9 से लेके 12 तक? 12 तक। ठीक है भैया। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा। घर लेके जा रहे हैं आपसे, एंड मैं चाहता हूँ लोग भी देखें, यहाँ पे आएँ और गोवा से कुछ अच्छी यादगार चीज़ लेके जाएं। जी सर। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। वेलकम टू सर। सो गाइस, वी आर डन विद द काजू शॉपिंग। आई होप दिस वीडियो गेव यू सम नॉलेज, एंड नाउ यू विल यूज दैट नॉलेज टू बाय द राइट ड्राई फ्रूट। विजिट दिस स्टोर अजीत ड्राई फ्रूट। आई विल पुट द डिस्क्रिप्शन एंड द कॉन्टैक्ट नंबर इन द वीडियो लिंक्स। यू कैन चेक द लिंक्स बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन गेट एक्सेस टू दिस प्लेस। ओपन ऑल डेज। व्हेनेवर यू आर इन नॉर्थ गोवा, डू नॉट मिस बाइंग काजू फ्रॉम हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद ऑल योर नियर्स एंड डियर्स। ये देखो, ये सर ने सामान लिया है इतना, ये हमारे पास से सामान लेके जा रहे हैं। और सर एक चीज़ बताना, टेस्ट करके एक वीडियो जरूर डालना, जो कि ये चीज़ अच्छा निकला है कैसा निकला है वो जरूर बताना।